और जैसे ही कहा राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, तो आज तो महाराज वहां पर राम जी भी आए, लक्ष्मण जी भी आ गए, सीता जी भी आ गई, रुक्मिणी, सारी की सारी माताएं भी प्रकट हो गई। अब इतने लोग, परसों तो चलो दो आए थे, कोई बात नहीं, इतने सारे लोग आ गए हो, इतने लोगों के लिए तो मैंने बनाई है भगवान, खिलाऊंगा कहां से तुमको। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, पर हम तो थोड़े से नहीं प्रसन्न हो जाते हैं, तूने जितना बनाया है ना दे दे। बोले ठीक है भगवान, चलो आप ही पाओ। जब सब लोग पाक करके जा रहे थे तो पूछता है, अच्छा ये तो बताओ अगली बार कितने लोग आओगे, अगली एकादशी आएगी ना कितने लोग आओगे। भगवान ने कहा भक्त मैं कह रहा हूं जैसे तेरा भाव होगा वैसे वैसे हम आएंगे। अब अगली एकादशी माताओं जब आई है तो भक्त अपने गुरुजी से कहते हैं, गुरुदेव और बड़ा करके दे दो, कम हो जा रहा है। गुरुजी ने सोचा इतना सारा लेकर के जाता है और रोज कहता है कम हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है ये बेच रहा हो कहीं जाकर के, आज तो मैं इसका पीछा करता हूं। आगे आगे चेला सामान लेकर के पीछे पीछे गुरु पीछा करते करते जैसे ही गंगा के तट पर पहुंचे, और ये भक्त बड़ा चतुर है महाराज, अन्य दिनों तो भोजन बनाता था आज तो बनाया ही नहीं, ऐसे ही रख दिया सामान और ऐसे पुकारने लगा, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लगाइए। ऐसे ही पुकारने लगा, राजा राम आइए, भगवान प्रकट हो गए। आज तो हनुमान जी